सीरियल के अंदर हमेशा से ही नैना और राघव की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। कभी राघव के ऊपर मुसीबत पहाड़ बनकर टूटी तो उस पहाड़ में दबने से नैना बचा लेती है राघव को। उसी तरह जब नैना को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो राघव भी जैसे ढाल सा बनकर नैना के आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक की कहानी में नैना और राघव की जिंदगी में कई बड़े बदलाव आ चुके हैं, जिनमें हाल ही में एक और बदलाव आ चुका है इनकी जिंदगी में, और वो है दादी का ठीक होना, जो ना सिर्फ राघव बल्कि नैना से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इतना ही नहीं, दादी को तो होश भी तभी आया जब नैना उनका ख्याल रखने के लिए आ गई और उसने दादी को अपने बच्चे की किक करने वाली बात भी बताई। लेकिन क्योंकि दादी नहीं जानती है कि नैना के पेट में है रेयान और अहाना का सरोगेट बच्चा, और अब खबर है कि जल्द ही ये सच्चाई आ जाएगी दादी के सामने कि नैना के पेट में नहीं है राघव का बच्चा। लेकिन क्योंकि नैना अपनी सरोगेसी वाली बात नहीं बताएगी दादी को, तो ऐसे में दादी समझेगी कि नैना के पेट में पल रहा बच्चा दरअसल नाजायज है और इस बात का ताना देगी दादी नैना को, और वो भी राघव के सामने। वेल, अब राघव दादी के सामने चुप ही रह जाएगा या फिर नैना को बेइज्जत होता हुआ देखकर दादी को ही चुप कराएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।